Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. सबसे पहले शुक्रिया शुक्रिया. मैं सबसे पहले चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार आपको और हेल्थ मिनिस्टर पंजाब डॉक्टर यास्मीन आपको इस प्रोजेक्ट की मुबारक भी देता हूँ, खराज तहसीन भी पेश करता हूँ. मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, इसकी ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो दूर दराज इलाके हैं उसमें बहुत ज़रूरत हमेशा थी. और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान बदकिस्मती से उन मुल्कों में से है जहाँ सबसे ज़्यादा ख्वातीन प्रेगनेंसी के वक्त जिनकी वफात होती है, और यह हम सब के लिए एक बड़ी शर्मनाक चीज़ है कि वो मुल्क जो कि बुनियादी जो एक कौम में अपनी औरतों को और जब प्रेगनेंसी के वक्त उनको इलाज की ज़रूरत होती है वो नहीं अगर दे सकती, ये बड़ी हमारे लिए शर्मनाक चीज़ है. और मैं हमेशा मैंने ये फैसला किया था कि जब भी अल्लाह ने हमें मौका दिया तो इसके ऊपर मैं ख़ास तौर पर ज़ोर लगाऊंगा. और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि डॉक्टर यास्मीन खुद डॉक्टर हैं और इनको अंदाज़ा है कि कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है दूर दराज इलाकों में औरतों को प्रेगनेंसी के वक्त अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो जाए. तो इसलिए हम 5 मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बना रहे हैं जो इंशाल्लाह कंप्लीट होंगे 1 साल और 2 साल के बीच में. तो मैं इस पे ख़ास तौर पे आपको चीफ मिनिस्टर साहब आपको भी और डॉक्टर यास्मीन आपको भी मैं इसलिए खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि देखिए हमारी हर एक गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ होती है. वो क्या, वो जब उनके 5 साल पूरे होंगे तो वो क्या चाहते हैं कि लोग उनको उनके 5 साल कैसे याद करें. तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये है कि 5 साल के बाद जो पाकिस्तान का कमज़ोर गरीब तबका और जो इलाके पीछे रह गए हैं, जो सूबे पीछे रह गए हैं, जिधर डेवलपमेंट नहीं हुई और सारी डेवलपमेंट थोड़ी जगह पे हुई और वहाँ के जो लोग उनको मौका ही नहीं मिला पाकिस्तान में पाकिस्तान की तरक्की में शरीक होने का, तो मैं ये चाहता हूँ कि 5 साल के बाद ये जो कमज़ोर तबके और कमज़ोर इलाके हैं अगर ये खुशहाल हो जाएं, अगर इनकी ज़िंदगियां बेहतर हो जाएं, तो मैं समझूंगा कि हम कामयाब हो गए. मुझे याद है, और ये मैं चीफ मिनिस्टर साहब आपको ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि जब हमारी पख्तूनख्वा में हुकूमत आई 2013 में, 3 साल मैंने बार बार एक ही चीज़ सुनी कि जी किधर है नया पख्तूनख्वा. हर जगह हमें कहा जाए कि जी किधर है नया पख्तूनख्वा. अब आप ये सोच लें कि अगर एक मुल्क पीछे रह गया बाकी खित्ते से, पाकिस्तान पिछले 30 साल में आपको पता होना चाहिए कि 30 साल में हम सबसे आगे थे बर्रे सगीर में, और इन 30 सालों के अंदर जब ये 2 खानदानों ने हुकूमत की ये तो अमीर तरीन हो गए, लेकिन मुल्क हमारा हिंदुस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे चला गया. मैं जब 80 की दिहाई में जब क्रिकेट खेलता था और हिंदुस्तान से मैच खेल के पाकिस्तान आता था तो पाकिस्तान एक लगता था कि मैं गरीब मुल्क से अमीर तरीन मुल्क में आ गया हूँ वापस. बदकिस्मती से इस 30 सालों में हम पीछे रह गए, और वो मुल्क एक कोई सोच भी नहीं सकता था हमारे सामने बांग्लादेश बना है. ईस्ट पाकिस्तान हमारे सामने बांग्लादेश बना, और वो सारा वक्त हम समझते थे कि जी वेस्ट पाकिस्तान को
पैसा खर्च करना पड़ता है बांग्लादेश पे, वो इतना पीछे है, वहाँ साइक्लोन आ जाता है, वहाँ मुश्किल आ जाती है और हमें सब्सिडाइज करना पड़ता है। पिछले 30 सालों में बांग्लादेश भी हमारे से आगे निकल गया। तो इसलिए हमारे लिए जो मैं चाहूँगा कि जिस तरह मैं पख्तूनख्वा में हमारी जब गवर्नमेंट आई तो हमें बार बार कहा गया कि जी आपने तो वादा किया था कि नया पख्तूनख्वा बनेगा, लेकिन 5 साल के बाद क्या हुआ, 2018 में वही पख्तूनख्वा जो कभी दूसरी दफा गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट को दूसरी दफा मौका नहीं देता, एक बार ही देता है पख्तूनख्वा, और हमारी कोलिशन गवर्नमेंट थी 2013 में, तो उसी पख्तूनख्वा ने 2/3 अक्सरियत से तहरीक इंसाफ की हुकूमत को वोट दी 2018 में। और उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह एक थी कि यूनाइटेड नेशंस यूएनडीपी ने सर्वे की और 2013 से 2018 में जो सूबे में सबसे तेजी से गुर्बत कम हुई वो पख्तूनख्वा था सारे पाकिस्तान में। तो लोगों ने इसलिए वोट दी, पख्तूनख्वा के लोगों ने इसलिए वोट दी कि वहां लोगों में, आम लोगों की जिंदगी में फर्क पड़ा। हेल्थ कार्ड पहली दफा पख्तूनख्वा में हम लेके आए, हमने जो भी कदम उठाए स्कूलों के हालात बेहतर किए, हमने पख्तूनख्वा में टूरिज्म को बढ़ाया, तो उससे लोगों की जब जिंदगियां बेहतर हुई, गवर्नेंस सिस्टम बेहतर हुआ, तो लोग ऐसे नहीं वोट देते कि पहले कोलिशन गवर्नमेंट हो फिर 2/3 अक्सरियत हो। तो आज भी उस्मान बुज़दार साहब जब आपको लोग तनकीद करते हैं तो उनको एक चीज कहें कि 5 साल के बाद हमारी परफॉर्मेंस देखना, हमने 5 साल का मैंडेट लेके आए थे, 3 साल का या 2 साल का नहीं लेके आए थे, और 5 साल के बाद ये फैसला होगा कि क्या पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई, क्या हमने आम लोगों की जिंदगी बेहतर की, क्या हमने अपने मुल्क में वो प्रोजेक्ट्स बनाए जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर थे। जिस तरह 50 साल के बाद बड़ी डैम्स बन रही हैं, 3 बड़ी डैम्स बन रही हैं 50 साल के बाद, और अगले 10 सालों में, अब से लेके 10 सालों में, हम इसको डेकेड ऑफ डैम्स कहते हैं, 10 सालों में 10 डैम्स बनेंगी इंशाल्लाह। सबसे बड़ा अगला मसला पानी का आ रहा है, सारी दुनिया में पानी का मसला आ रहा है, ये जो मौसम की तब्दीली है इसका एक खतरा ये है कि पानी की मुल्कों में कमी होगी, तो इसलिए जरूरी था कि पानी के रिजर्वोर बनाए जाएं। तो ये 50 साल में पहली दफा किसी कोई गवर्नमेंट अपने आने वाली नस्लों का सोच रही है, नहीं तो वो आने वाले इलेक्शन का सोचते हैं सारे कि मेट्रो ट्रेन बना दो, उसके इश्तिहार दो, इलेक्शन हो जाए और उसके ऊपर इलेक्शन जीत जाओ। ये पहली दफा लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो रही है, इंडस्ट्री पहली दफा पाकिस्तान की उठ रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट्स से ही असल दौलत बनती है पाकिस्तान किसी भी मुल्क में, जब आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं मुल्क में पैसा आता है तो मुल्क की दौलत में इजाफा होता है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हम पहली दफा ओवरसीज पाकिस्तानीज को रेमिटेंसेस के थ्रू सबसे तारीख में सबसे ज्यादा उन्होंने पैसा भेजा, और आगे प्रोजेक्ट्स ऐसे लेके आ रहे हैं जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानीज सरमायाकारी करेंगे पाकिस्तान में, जिस तरह रावी सिटी है, जिस तरह लाहौर में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, तो उनका पैसा लेके आएंगे और इंशाल्लाह इस मुल्क की दौलत में इजाफा करेंगे, ग्रोथ रेट बढ़ेगी, और फिर जो इस इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया है पाकिस्तान को, क्लाइमेट चेंज जो हमारा जो 10 बिलियन ट्री सुनामी यानी 10 अरब दरख्त जो हम लगाने जा रहे हैं, ये दुनिया ने अब पाकिस्तान को एक्नॉलेज किया, अब तक 2.5 अरब दरख्त लगा चुके हैं, ये आने वाली नस्लों के लिए है कि जो मौसम की तब्दीली आ रही है उसको काउंटर करने के लिए, उसको रोकने के लिए पाकिस्तान इंशाल्लाह ये जो हम इस मुल्क में और भी दरख्तों के अलावा नेशनल दुगनी कर रहे हैं नेशनल पार्क्स, ताकि हमारे आने वाली नस्लों के लिए बेहतर पाकिस्तान छोड़ के जाए। लेकिन जो आज ये जो मैंने हॉस्पिटल खोला, इस पे जो
मैं आप अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि कभी किसी ने सोचा था पाकिस्तान में कि एक हेल्थ इंश्योरेंस सारे शहरियों को, यानी जो सूबे हमारे नीचे हैं उन सारे सूबों के अंदर हमने फैसला किया कि हर शहरी के पास हेल्थ इंश्योरेंस होगी 7 से 10 लाख रुपए तक। ये कभी किसी ने सोचा था पाकिस्तान में होगा? ये मैं अपनी बड़ी जिंदगी बाहर गुजारी है, इंग्लैंड में गुजारी, ऑस्ट्रेलिया देखा हुआ है, उधर भी हर शहरी को यह सहूलत नहीं मिलती। आपको पैसे देके, प्रीमियम देके इंश्योरेंस लेनी पड़ती है हेल्थ की। यहां मुफ्त मिल रही है सारे शहरियों को, सारे खानदानों को। और पंजाब सिर्फ 3 सालों में 330 अरब रुपया खर्च कर रहा है हर शहरी को हेल्थ इंश्योरेंस देने के लिए। इसका मतलब कि पंजाब के और जितने भी सूबे हैं, पख्तूनख्वा पख्तूनवा ने सब शहरियों को हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया, सब खानदानों को। पंजाब में इंशाल्लाह मार्च तक सब खानदानों के पास हेल्थ इंश्योरेंस आ जाएगी। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब ये, और मैं आप सबको बता दूं, क्योंकि शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल सिर्फ बनाया इसलिए था कि जब मैंने देखा कि मेरी वालदा, हम पैसे भी थे हमारे पास, कितना महंगा कैंसर का इलाज था, तो मैंने सोचा कि गरीब खानदान तो कभी वहां कैंसर हो जाए उनके, वो तो कभी भी अपना इलाज नहीं करवा सकते कैंसर का, इसलिए शौकत खानम बनाया था। और शौकत खानम जब मैं बना रहा था तो मैंने तब सोचा था कि इस मुल्क में आम आदमी के लिए सबसे बड़ी सहूलत होगी हेल्थ कार्ड, क्योंकि एक खानदान में कभी भी बीमारी हो जाए और जब उनके पास पैसा ना हो उस बीमारी का इलाज करवाने के लिए, ये सबसे ज्यादा तकलीफ एक खानदान उससे गुजरता है। जो भी इससे गुजरे हुए हैं, कैंसर का तो बहुत महंगा इलाज है लेकिन हार्ट है और कितनी बीमारियां हैं। तो जब एक खानदान ये देखे कि जी आज चले महंगाई है, आज हमारे पास तो किधर से हम पैसा लगाएंगे 5 लाख 10 लाख रुपए किसी की बीमारी के ऊपर खर्च करने के लिए, तो ये सारी रिसर्च ये कहती है कि जो खानदान गुर्बत की लकीर के ऊपर भी होते हैं, एक बीमारी ऐसी आती है कि वो खानदान गुर्बत की लकीर के नीचे चला जाता है। इसलिए ये हेल्थ कार्ड बहुत जरूरी है और इंशाल्लाह मार्च तक सारे पंजाब के अंदर हर पंजाब के खानदान के पास एक हेल्थ कार्ड होगा, जिसमें 7 लाख से 10 लाख रुपए तक किसी भी अस्पताल में, सिर्फ सरकारी नहीं, प्राइवेट अस्पताल में भी अपना इलाज करवा सकेंगे वो। मैं अच्छा, ये इसका एक और भी मैं आपको बात बता दूं कि ये हेल्थ कार्ड सिर्फ नहीं है, ये एक हेल्थ सिस्टम है। अब इससे क्या होगा? अब हम अभी देखते हैं कि हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, जो जिलों में हैं, उधर डॉक्टर ही नहीं जाते। शहरों के अंदर सारे डॉक्टर कहते हैं कि हमारी पोस्टिंग कर दो, लेकिन देहात में नहीं जाते। अब हेल्थ कार्ड से क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर से लोग जाके हॉस्पिटल बनाएंगे देहातों के अंदर, क्योंकि अब तो हर लोगों के, हर खानदान के पास हेल्थ कार्ड होगा, तो क्योंकि उनके पास पैसे होंगे इलाज के लिए, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि देहातों के अंदर अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर जाएगा हॉस्पिटल बनाने के लिए। और प्राइवेट सेक्टर के लिए हम अब सस्ती जमीनें देंगे उनको हॉस्पिटल बनाने के लिए। जो भी चीज पाकिस्तान में नहीं बनती हॉस्पिटल इक्विपमेंट, बाहर से ड्यूटी फ्री हम उनको कहेंगे, हमने फैसला किया कि ड्यूटी फ्री वो मंगा सकते हैं ताकि उनके लिए आसानी हो हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, और फिर सहूलत सारे पाकिस्तान में देहाती इलाकों में भी आम आदमी के पास हो कि वो जाके अपना इलाज करवा सके। अब मैं दो आखिरी में दो बातें करना चाहता हूं। महंगाई, सारी दुनिया में मसला पड़ा हुआ है इस वक्त महंगाई का। महंगाई क्यों आई? कोरोना के बाद सारी दुनिया, आपको पता है 100 साल में इतना बड़ा दुनिया में बुरान नहीं आया जो कोरोना लेके आया है। अब इससे क्या हुआ है कि सप्लाई शॉर्टेजेस हो गई। सप्लाई शॉर्टेजेस का मतलब कि दुनिया में जो ट्रेड थी वो मुतासर हो गई। वो मुतासर क्यों हो गई? लॉकडाउन हो गए। जब लोगों ने
वबा से बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन किया तो इकोनॉमी बंद हो गई। जब इकोनॉमी बंद हुई तो चीजें जो दुनिया में खरीदो फरोख्त होती थी वो बंद हो गई, उसकी वजह से कीमतें ऊपर जानी शुरू हो गई क्योंकि कमी हो गई। सबसे बड़ा हुआ कि उसकी वजह से पहले पेट्रोल की कीमत, तेल की कीमत नीचे चली गई और अब पिछले 3 महीने में तेल दुगना हो गया, $45 से अब पहुंच गया $85 पे। जब तेल महंगा होता है सब कुछ महंगा होता है। फिर जो दुनिया में फ्रेट है यानी जो किश्तियों के ऊपर जो सामान आता है उसमें 350% का इजाफा हो गया, महंगा मजीद महंगा हो गया। और फिर जो पाकिस्तान चीजें बाहर से मंगवाता है, मसलन तेल, फिर बिजली, आधी बिजली तेल पे चलती है वो महंगी, फिर जो हम घी मंगवाते हैं वो बाहर से जो तेल आता है जो जो पाम ऑयल है वो दुगना हो गया, दालें 70% बाहर से मंगवाते हैं वो दुगनी हो गई। तो जब ये सारी दुनिया में जो महंगाई हुई वो जाहिर है पाकिस्तान इसी दुनिया में है, कोई आसमान में तो नहीं है, तो इसका हमें भी असर होना था। तो लिहाजा हमने पूरी कोशिश की और कर रहे हैं कि अपने लोगों को हम इस महंगाई से बचाएं। आज हिंदुस्तान में, वैसे वहां भी शोर मचा हुआ है, लेकिन वहां लीटर पेट्रोल 250 रुपए का है, बांग्लादेश में 200 रुपए का है, पाकिस्तान में अब 146 रुपए का है, सबसे कम है। जो मुल्क पेट्रोल जिधर अपनी जमीन से नहीं निकलता तेल, उसके अलावा जो मुल्क इंपोर्ट करते हैं तेल, जिस तरह बाकी हिंदुस्तान, बांग्लादेश, हम उसमें से सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल आज पाकिस्तान में है। हमने इस ये क्यों किया? क्योंकि हमने अपने टैक्सेस कम कर दिए, लेवीज कम कर दी। और एक और मैं तो इसलिए मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता था कि ये हमें ये मुश्किल वक्त है, सारी दुनिया में महंगाई है, लेकिन इंशाल्लाह मेरे हम सब समझते हैं कि सर्दियों के बाद, ये चंद महीने के बाद, ये फिर से जैसी सप्लाई चलना शुरू हो जाए दुनिया में, दुनिया खुल रही है कोरोना के बाद, तो इंशाल्लाह ये फिर कीमतें नीचे आ जाएंगी, लेकिन उस वक्त थोड़ा मुश्किल वक्त है। और इसके लिए हमने पैकेज, मैंने एहसास का पैकेज अनाउंस किया सबसे पहले कि हमने 2 करोड़ खानदान, 2 करोड़ खानदान यानी कि 13 करोड़ लोगों को अब हम एहसास के थ्रू उनको 3 चीजों के ऊपर 30% एक राशन, एहसास राशन लेके आ रहे हैं कि आटे के ऊपर, घी के ऊपर और दालों पे 30% वो एहसास कार्ड की वजह से उनको, खानदानों को कम डिस्काउंट मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी, ताकि लोगों को ये मुश्किल वक्त में हम उनको निकाल लें। और इसमें हमने 120 अरब रुपया सूबे ने और सेंटर ने मिलकर दिया। और उसके अलावा हमारा एक कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है जो बहुत वसी है, जिसमें हम सूद के बगैर कर्जे दे रहे हैं 20 लाख खानदानों को, देहात में भी और शहरों में भी कारोबार करने के लिए, देहात में किसानों के लिए। और फिर हम सूद के बगैर घर के लिए कर्जे दे रहे हैं ये 20 लाख खानदानों को। और इंशाल्लाह आप देखते रहेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता अगर हमारे पास हमारी आमदनी बढ़ती गई तो हम इंशाल्लाह और मदद करते रहेंगे इस मुश्किल वक्त से निकालने के लिए। लेकिन आखिर में मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, चीनी एकदम 140 रुपए, जो पाकिस्तान की चीनी है 140 रुपए पे पहुंच गई। मैंने पता चला है क्या हुआ, पता चला कि 3 शुगर मिल सिंध के अंदर जो चल रही थी उनको बंद कर दिया। ये याद रखें, जब ये सीजन आता है ना गन्ने का, जब गन्ने, जब चीनी बनती है फैक्ट्रियों में, शुगर मिल्स में, जब गन्ना लेके जाते हैं तो वो सिंध से शुरू होता है और फिर पहले वहां पकता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता 15 से पंजाब में शुरू हो जाता है। तो जब सिंध में वो 3 मिल्स बंद हुई तो पता चला कि एकदम कमी, और उसके वजह से 140 पे पहुंच गई चीनी की कीमत। मैंने फिर पता चलवाया कि ये वजह क्या हुई, तो पता चला कि उसकी वजह से यहां की जो शुगर मिल्स थी इन्होंने जखीरांदोजी करनी शुरू कर दी। मैंने चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि हमारा तो कानून है, जखीरांदोजी कर नहीं सकते, इनकी मिल से जाके अगर ये जखीरांदोजी कर रहे हैं तो चीनी उठा के मार्केट में लेके आओ ताकि कीमत नीचे आए।
पता चला जी जुलाई से ये शुगर मिल्स ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है उस कानून के खिलाफ, और इसलिए हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। फिर पता चला कि इनके ऊपर, शुगर मिल्स के ऊपर, कंपटीशन कमीशन ने 40 अरब रुपए का इन्होंने इनके ऊपर जुर्माना लगाया हुआ है, क्योंकि इन्होंने मिल के कीमतें ऊपर की थी, कार्टलाइजेशन की थी, उसके ऊपर भी स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। फिर पता चला कि इन्होंने एफबीआर ने जो इन्होंने चीनी बेची थी, जो हमारी शुगर कमीशन रिपोर्ट में पता चला कि इन्होंने ऑफ बुक्स चीनी बेची थी, यानी कि चोरी करके जो चीनी बेची थी, जिसकी रिकॉर्ड सामने आ गया, वो 500 अरब रुपया एफबीआर ने इनके ऊपर लगाया हुआ है कि मजीद इन्होंने टैक्स देना है, उसके ऊपर भी स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब आपको, क्योंकि पंजाब में ये हो रहा है, अपने लॉ मिनिस्टर को और एडवोकेट जनरल को कहें कि फौरी तौर पर यह वेकेट करें स्टे ऑर्डर। ये जुल्म है हमारी आवाम से कि ये शुगर माफिया मिलके अरबों रुपया कमा लेता है आवाम की कमर तोड़ के, और गवर्नमेंट जब कुछ करने जाती है, स्टे ऑर्डर लिए हुए इन्होंने, तो इसके ऊपर पूरी तरह आज ही उनको कहें कि एक्शन लें। कि और हम ये जो इन्होंने जखीरा अंदोजी, ये तो बड़ा आसान काम है, शुगर मिल्स आपस में मिलके चीनी रोक देती है, चीनी की कीमत ऊपर चली जाती है, बैठे बैठे अरबों रुपया बना लेते हैं। ये किसी भी महजब माशरे में इसकी इजाजत नहीं है कि आप गरीब लोगों की कमर तोड़ के और आप पैसा बनाएं। और ये माफी, और जब इनको कुछ, इनके ऊपर कोई कदम उठाते हैं, जाके स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। तो इसके ऊपर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एडवोकेट जनरल और लॉ मिनिस्टर को कहें कि पूरी कार्रवाई की जाए इनके ऊपर। आखिर में मैं डॉक्टर साहब आपको, और फिर से चीफ मिनिस्टर साहब आपको, इसके ऊपर ये बड़ा जबरदस्त काम किया आपने, 5 मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनाना उन इलाकों में जिधर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, और जिधर इतनी ज्यादा बेचारी माएं प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ के वक्त मर जाती हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी आपने खिदमत की है, और इंशाल्लाह इसका जो 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 फायदा होगा वो असल में इनकी दुआओं से आपको मिलेगा। बहुत शुक्रिया।